हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? तो आज मेरा बेटी का पहला दिन स्कूल है, तो इसलिए सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ। तो अभी सुबह के टाइम हो रही है 6:30, तो चलते हैं। तो अभी बाहर चलते हैं। मेरे साथ गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है फिर से। शायद मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। आई थिंक ठंड लग गई है फिर से। तो जो यूनिफॉर्म मैं कल टेलर के घर से लेकर आई थी, वो मैंने बाहर काल ही दे दिया था वॉश करके। तो अभी बाहर तो धूप भी आ गई है। वो लेके मैं छत के ऊपर दूंगी ताकि जल्दी सूख जाए। नहीं तो आज स्कूल में हम लोग नहीं जा पाएंगे बिल्कुल भी। और स्कर्ट में भी बहुत ज़्यादा पानी रह गए है। तो मैं तो टोपी लेने भूल गई है, फिर से लेने जाती हूँ। चलिए, मैं ये टोपी लेके मैं जाऊँगी ऊपर। तो आप लोग देखते रहना मेरी वीडियो को, मैं बार बार बोल रही हूँ पता नहीं क्यों। और चलिए चलते, छत के ऊपर आ गई हूँ। मैं कपड़ा डाल दिया है और अभी नींबू का पत्ता भी शायद बहुत ज़्यादा जल रहे हैं अभी ऐसे ही टाइम में, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। छत के ऊपर मैं कपड़ा डाल के अभी नीचे में जा रही हूँ। घर में थोड़ा बहुत काम है और खाना भी बनाना है, और जैसिका को उठा के मुझे खाना भी खिला के देना पड़ेगा, तो और टिफ़िन भी तो बनाना है। तो चलती है, चलिए पहले मैं नहा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गर्म पानी रख दिया है, 10-15 मिनट में हो जाएगा गर्म पानी। और मैं उधर गैस पे रख दिया हूँ मेरे लिए थोड़ा सा गर्म चाय पीने के लिए, और ठंडी के दिन गर्म चाय थोड़ा पीना पड़ता है। मैं ग्रीन टी भी लाऊंगी। और यहाँ पे बहुत सारा बर्तन, ये भी मुझे क्लीन करना है। ये देख के मेरे दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है सच में।
मैं जब बर्तन धो रही थी उस टाइम मैं अंडा उबालने के लिए रख दिया था, तो अभी वो अंडा मैंने उबाल भी लिया है, तो अभी उसको मैं सब्जी बनाऊंगी अंडा की। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने, जैसे मैं बनाती हूँ, ऐसे गरम तेल करके थोड़ा सा जीरा और ड्राई चिलीस, जो सूखा मिर्ची होता है वो डाल के मैं थोड़ा सा पहले भून लूँगी, उसके बाद ऑनियन जो जो एक में देना पड़ता है मैं वो सब दे दूँगी। तो चलिए आगे की प्रोसेस की तरफ। और यहाँ पे मैं एक तेज़पत्ता भी दे दिया हूँ, और थोड़ा सा ये फ्राई होने के बाद, अच्छे से डीप फ्राई होने के बाद, मैं यहाँ पे ऑनियन डालूँगी। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से फ्राई हो गई है, अभी मैं ऑनियन डाल दूँगी। पूरा मैंने ग्राइंड करके पूरा मिक्स कर दिया है। यहाँ पे टमेटोज और जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑनियन अच्छे से पकाने के बाद मैंने यहाँ पे अभी दे दिया है एग, और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, गर्म पानी, थोड़ा ज़्यादा करके देंगे तो बाद में पूरा 10-15 मिनट के बाद ये पानी पूरा सूख जाएगा। उसके बाद मैं ये अंडा को निकाल दूँगी गैस से, तो जल्दी भी करना है यार। जेसिका तो अभी नींद से उठा ही नहीं, अभी 9:30 हो रही है, तो जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी जो अंडा बनाए हैं ये, और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला डाल के दूँगी, जितना भी पानी दिया था वो सब सूख गया है, मैंने ऐसे ही सूखने के लिए रखा था मीडियम फ्लेम पे। तो मैंने ऐसे ही ढक के अभी रख दूँगी थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, मैंने तो डाल दिया है गरम मसाला। तो मैं यहाँ पे जेसिका के लिए ब्रेड बना लिया हूँ, थोड़ा सा अंडर मेयोनेज डाल के दे दिया। तो ऐसे ही मैं उसको 3 दे दूँगी, वैसे तो आज पहला दिन स्कूल है, पता नहीं क्या होगा, तो अच्छे से सेट करके मैं दे दूँगी। और चलते हैं, चलिए, ये सेट नहीं कर पा रही मैं, कैसे करने से ज़्यादा मतलब अंदर होगा, जैसे कि 3 पीस 1.5, यहाँ पे 3 पीस ही हो जाएगा वैसे एक एक करके करने से। और चलिए, यहाँ पे मैंने कुकम्बर डालने के लिए ट्राई कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा कुकम्बर भी कट करके दिया था यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, अलग से देना पड़ेगा, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करी थी। तो ये हो गया है जैसे कि कुकम्बर, यहाँ पे टिफिन और पानी का बोतल। तो चलते, आर यू एक्साइटेड? मजे करोगे यार स्कूल में? हाँ, बंद कर दे। अच्छा ठीक है। गाइस, अभी मैं जेसिका को स्कूल से देके घर जा रही हूँ, वो काफ़ी स्ट्रांग है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ, बट वो बोल रही है घर में जाने के लिए। तो पहले दिन एक दिन मैंने रुका था इधर सामने बैठ के, तो टुक टुक नहीं मिल रही है, अभी मैं क्या करूँगी पता नहीं, जितना पैदल जा सकती हूँ इतना ही जाऊँगी, और सामने बस टुक टुक मिलेगा तो मैं टुक टुक से जाऊँगी। तो चलिए, आप लोग मेरी आगे इस वीडियो को देखते रहे ना। तो जैसे कि स्कूल से आने के बाद मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, और जेसिका की टीचर भी आई थी, तो जेसिका को खिला के नहला के पूरा उसको अच्छे से उसको देखना पड़ा, तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो आप लोग बुरा मत मानना, अगर मेरी वीडियो को अच्छा लगे तो डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर अपने फैमिली के साथ ज़रूर करना। और आज के लिए मेरी वीडियो